हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 NIOS बोर्ड का जो है बायोलॉजी का चैप्टर। फ्रेंड, ये बायोलॉजिकल चैप्टर जो है ये 11th क्लास और 12th क्लास जो है NCERT के साथ भी अटैच है, तो आपने सिर्फ उसको टॉपिक के हिसाब से समझना है, ठीक है। ये जो होगा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में जो है समझाई जाएगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए, क्योंकि अगर आपको हिंदी इंग्लिश के दोनों डोज मिले तो आप जो हो अच्छे से अच्छे कर सकते हो। तो आपको जो है इस चैप्टर में जो है रूट सिस्टम, इसमें जो है हम दोनों बातों को लेकर चलेंगे और देखेंगे कि रूट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आपके लिए ये क्या मान्य रखते हैं और इसमें क्या आपके लिए समझ होता है और इसमें जो है पेड़ पौधे कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये सब बातें जो होगी, लेकिन उससे पहले जो एक बात मैं हमेशा कहता हूँ जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है, जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है, इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पर, तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिक्त रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इसे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है, जैसे 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ, प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों का, प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है, प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। फ्रेंड, व्हाट डू यू मीन टू द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट? There is a modification of root that tap root and advantageous the root can be get a modified into a variety of form to perform a various function as can be seen from the following chart. Here shown in this chart the modification of roots, their tap root modification, and second is a advantageous root modification. Friend, there is important. Their tap root modification is conical roots, fusiform roots, napiform roots, and tuberous root. And the adventitious root modification is tuberous roots, fasciculated roots, nodulous roots, and moniform roots, annulated roots, and assimilatory roots. And here also present assimilatory roots, epithelial roots, and metaphorous respiratory roots, shrugging roots of hostile areas, and props roots, stellate roots, clambing roots, and clenching roots, floating roots. This is important for the roots part. The A part is a tap root modification. Here, the tap root because a fleshly for the storage of food. Friend, the tap root is a fleshly for the storage of food. So in this table, the tap root modification food storage. There are first of conical roots type. Their characteristics is base is bodied and taper gradually to about to the apex. Example, carrot. The carrot is the example of conical roots. And fusiform root is a swellens is a middle tapering to about to both ends. Example, radish.
एंड नेक्स्ट इज नैपी फॉर्म. देर इज स्पेरिकल एट बेस टैपरिंग शार्पली एंड टुवर्ड द टिप्स इज अ टर्निप. एंड फोर्थ इज अ ट्यूरस मीन्स अ थिक्स एंड फ्लैश विद द नॉन डिफाइंडेड शेप एज एग्जाम्पल फोर ओ क्लॉक प्लांट. द फोर ओ क्लॉक प्लांट इज इम्पोर्टेंट. फ्रेंड शो इन दिस पिक्चर देर मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट टैप रूट. देर इज अ फर्स्ट इज अ कॉनिकल्स मीन टू कैरेट्स. द कैरेट इज अ कॉनिकल टैप रूट एंड सेकेंड इज अ फ्यूजी फॉर्म मीन्स रेडिस. देर इज रेडिस इज अ टैप रूट इन प्रेजेंट ऑफ फॉसिल फॉर्म. एंड थर्ड सी पार्ट इज अ नैपी फॉर्म मीन्स टर्निप. टर्निप इज द इम्पोर्टेंट वेजिटेबल. एंड द लास्ट इज ट्यूरस मीन्स फोर ओ क्लॉक प्लांट. देर इज इम्पोर्टेंट फॉर एसेप्नल के देर फोर ओ क्लॉक प्लांट. देर इज द टैप रूट प्रेजेंट हेयर. The B part is adventitious root modification. What do you mean to the adventitious root modification? When does root modification get a modified for various function? There is a show in this table. There is a types, character and example. There are modification of the food storage. The first is tuberous. These are swellens roots developing from the nodes and prostrate stem. The example, sweet potato. A second is a fasciculated. Fasciculateds are type. There are swollen roots of developing in a cluster from their stem. Is the dahlia. Dahlia is the example of fasciculated plant. The third is a nodulosis. There is a only apex of root because the swellens like a single beads. Example is a mango ginger. And fourth is a moni. Leaf form. Monoleaf form is the root alternately as well and there are constructed is a preventing a beaded or monofilum forms appearance. There is example of grasses and sedges. There is a fifth is a annulateds. Annulateds mean they look as if a form a number of discs placed on the above the other. Their example is apricock. Apricocks is their example of this annulateds form. And next is a modification of photosynthesis. There is a first is a assimilatory root. The root which when exposed to the sun and develop of chlorophyll turn greens and manufacture food. Their example of tinospora is Arial's root or orchid. And third is a modification for a absorbing atmospheric moisture. Their epithelial roots means aerial root of epithecites are there greenish and the cover with the spongy tissue is a velumens with the which there is absorbed atmospheric moisture. The example is a varzidus is a wanda. Friend, here show this picture is a is a tuberous root. There is a sweet potato. There is sweet potato is the first. And second is a fasciculated root. There is a fasciculated root is a B part. There is example of dahlia. Dahlia is there is a here. And C is a nodulus is a mango ginger. There is a mango ginger. And here show the D part is there is a monofilum roots is a grass. The next is a E is a annulated root. Means apicalc. There is a F is there a assimilatories and epithetics root. This is a orchid. There is a present of different types of eventual roots of modifications. The fourth is the modification for the better gaseous exchange. There is an example of nematophorus. Nematophorus is our respiratory roots. There are some roots grow is a verticals is up negatively genotropics into the air. Exposed air tips and the pores is the minute pore through there which is a root. Spheres appear like a conical spical comings out of water. Example of mangroves is a Marshall's plant is rhizopora. And fifth is a modification for the sucking nutrition from a host. There is a modification for a sucking nutrition from a host. There is sucking roots of hosteroderma.
ट्रिया। देयर इज अ पैरासाइटिक प्लांट गिव आउट ऑफ शकिंग्स रूट ऑफ हस्टियस विच इज अ पेंट्रेट लिविंग होस्ट प्लांट एंड द शक फूड फ्रॉम अ फ्लोएम इज अ कसकटा कसुकटा इट इज एग्जाम्पल देयर इज अ शकिंग रूट्स एंड हस्टेरियस। Yes, so in this picture that when the root of modification is a nematophorus is the first, there is the mangrove plant and second is a castocata. Castocata is important for their parasite on the host and there is a other B2 is a section flowing sucking roots of Asterians penetrate their host plant. The important in this picture they show the different types of plant. Root modification for a strong support. There is a modification of a strong support. Here a porous roots. Roots are developing from the tree branches and they hang downward and ultimately is a penetrate the ground. This is provide to support the heavy branches. The example banana trees. The banana trees is example for the proper roots. And second is a stillet root. The extra root developing from the nodules and the near their base of stem grow to the obliques and the downward to the penetrate their soil, giving the strong anchor carriage. There is a sugarcane scrape pine. The example and climbing root. There a big climber twines around and the clasp to the support with the help of climbing root arising from there is a many plant and betel. The many plant and betel is the example for the climbing root. The next is clanging root. Clanging root means special cleaning roots arise, enter their crevices of support and fix the epiphytes. There is example of epiphytes orchids. And seventh is modification for the biconicals and respiration. Biconics is a respiration, is a floating root. Their spongy floating roots filled with their air arise from the nodes of the some aquatic plant and help in the floating and respiration. Is example, Jassiji. The one amazing thought there, the great banana tree is the Shivapur's Kolkata is a more than 200 year old, forming a crown of over 404 meter in the circumference and has about a 1600 proof root. There is a present in this figure. There is a proof roots is a example banana trees and there is important. And secondly a settled root there is shown in this picture. And C is there is C is a climbing root of betel. There is important. And third is a floating root of jassisa. There is a planting root on the sea and they are marine. दोस्तों जो हम यहाँ पर करने कर रहे हैं जड़ों के रूपांतरण, देखिए जड़ों के जो रूपांतरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं इनके नाम भी बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं और बच्चों के लिए समझना भी बहुत मुश्किल पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा और इसको समझना ही पड़ेगा कि आखिर होता क्या है। देखिए जड़ों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। मुझे तो लगता है कि आपको अगर जिस तरह समझाया जाए कि वो जैसे आपको समझ में आ जाए, तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। जड़ों के रूपांतरण पार्ट देखिए क्या है, मॉडिफिकेशन कैसी होती है। सबसे पहले कहते हैं मुसला जड़े और उपास्थित जड़े सामान्य कार्य के अलावा विभिन्न विभिन्न जो है विशिष्ट कार्य करने के लिए कई तरह से जो है रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे नीचे जो है तालिका में आपके समक्ष दिया गया है। कहते हैं यहाँ पर जो है एक तालिका दिया गया है, एक टेबल दिया गया है जिसमें मूल जड़ों के रूपांतरण पार्ट दिखाया गया है। एक साइड जो दिखाया गया है मुसला जड़ यानी टैप रूट रूपांतरण, दूसरा तरफ दिखाया गया है जो है अपस्थानिक यानी झगड़ा जड़ एडवेंचरस रूट्स यानी रूपांतरण। कहते हैं कि जो आपका टैप रूट है उसमें जो है कॉनिकल्स जड़ यानी शंकु रूपी कॉनिकल जड़ पाया जाएगा, तरकु रूपी यानी फॉसी फॉर्म जड़ जो है, अगला जो है कुंभी रूपी यानी नेपी फॉर्म्स, उसके बाद है गांठ द्वार कटित यानी ट्यूबरोसिस जड़ें। तो ये जो है चार प्रकार के रखता है जो टैप रूट है। अगला जो है हमारा जो है उपास्थानिक जो है जकर जड़ जो रूपांतरण होता है कदल यानी ट्यूबरोसिस जड़ में, उसके बाद दूसरा जो है संपुलित गुच्छित यानी फैसिकुलेटेड जड़, उसके बाद है थर्ड जो है ग्रंथिल यानी नोडलोस जड़, चौथा जो है मैनी लीप रूपी मोनिफॉर्म्स जड़, उसके बाद वलित यानी एनुलेटेड जड़ें, उसके बाद है स्वंगी कारक यानी एसुमुलेटरी जड़, उसके पश्चात है अधिपादित यानी एपिथैटिक्स जड़ें, उसके बाद है बात पुट्टीधर यानी न्यू
टोफेयर श्वसन जर भी कह सकते हो उसको। उसके बाद है चूसक मीन्स सकिंग जर जो है पुष्पकांग यानी हस्टोस्टोरियस। उसके बाद है प्रॉप जर वस्त्र स्ट्रिलिंग जर अरो यानी क्लाइंबिंग जर प्रता नी यानी क्लैनिंग जड़े। उसके बाद है प्लॉबी यानी फ्लोटिंग जड़े। तो कुल जो है इसके 14 रूट्स प्लांट दिए गए हैं जिसके बारे में हम विस्तार से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों ये जो है नाम जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आगे चल के आप अगर बोटनी लेते हो तो बोटनी में जो है ये सारी बातें जो है समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर जो है आपको यही बात पढ़ाई जाएगी। तभी तो आपको यहाँ पर जूलॉजी भी पढ़ाई जाती है और बायोलॉजी जो है इसका बॉटनी का पार्ट भी क्योंकि प्लांट जो होता है बॉटनी में जाता है जूलॉजी जो होता है एनिमल्स में जाता है। तो इसको आपको समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है तभी जगह जो बच्चे हैं अगर वो बीएससी करते हैं तो उनके लिए फ़ायदेमंद रहता है दोनों के लिए। तो इसलिए जो है आपको इन चीज़ों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है कभी कभी जो है ये पीएमटी में भी पूछा जाता है तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। चलिए देखते हैं सबसे पहले जो है मूसला जर रूपांतरण उसमें क्या बात बताई गई है। कहते हैं खाद्य पदार्थ भंडारण के लिए जो मूसला जर मासल हो जाता है यानी ये जो होता है खाद्य पदार्थ यानी फूड को स्टोरेज के काम करता है। जैसे कि आपको पता ही है इसमें जो है शंकु रूपी में जो होती है दोस्तों ये जो लक्षण होती है इसको आधारित भाग चौड़ा तथा अग्रसिरा क्रमश पतला और संकरा होती है। आपने गाजर को देखा ही होगा गाजर जो होता है ऊपर से बहुत मोटा होता है नीचे आते आते पतला हो जाता है। तो ये जो है शंकु रूपी का एक उदाहरण है। उसके पश्चात आता है तर्कुरूपी में जो होता है मध्य भाग फूला था जो ऊपर एवं नीचे का जो सिरा होता है पतला होता है। जैसे मुल्ली को भी देख सकते हो आप मुल्ली जो होता है ऊपर थोड़ा सा पतला होता है नीचे भी पतला होता है बीच में जो होता है फूला हुआ होता है तो इसको क्या हम कहते हैं तर्कुरूपी। उसके बाद है हमारा कुंभी रूपी जो होती है आधारित भाग लट्टू जैसा गोल एवं अंतिम जो होता है सिरा अचानक पतला धागे जैसा हो जाता है। जैसे आपने सलगम को तो देखा ही होगा सलगम जो है टर्निप जो होती है सलगम ये ही एक अच्छा एग्जांपल है क्योंकि देखोगे कि ऊपर पतला होता है नीचे बीच में जो होता है मोटा चौड़ा हो जाता है और नीचे जो होता है धागा रूपी बन जाता है तो इसे हम कुंभी रूपी कहते हैं। उसके बाद है गांठदार का मतलब दोस्तों यही होता है कि मासल एवं मोटी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। इसके लिए ओक क्लॉक जो है पादप पदार्थ जो पादप हमारे प्लांट है ये इसमें आ जाता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हो जिसमें जो है आपको जो है शंकु रूपी यानी गाजर को दिखाया गया है। ठीक है तर्क रूपी यानी मूली को दिखाया गया है कुंभी रूपी जिसको हम सलगम कहते हैं सो दिखाया गया है और जो लास्ट में है आपके समान कंदील यानी फोर ऑक क्लॉक पादप। तो दोस्तों ये चित्र से भी आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे और आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि कौन प्लांट जो है किसके पार्ट में आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है अपस्थानिक जर रूपांतरण ये दूसरा पाठ में आ जाता है एडवेंचरस में आ जाता है ये। तो ये किसी भी कार्यों के लिए जो है अपस्थानिक जर रूपांतरित हो जाती है। तो सबसे पहले प्रकार लक्षण और उदाहरण हम देखेंगे किसमें क्या है। पहला तो आता है खाद्य पदार्थ के भंडारण के लिए रूपांतरण। देखिए खाद्य पदार्थ को जो रूपांतरित करने के लिए कौन कौन से जो है ये इसमें आता है। तो पहले तो आता है कंदिल जो होती है लेटी हुई प्रोस्टेट स्तंभ की जो है पर संधि से उत्पन्न अनित मसल एवं फूली हुई जड़े होती है। इसका एग्जांपल है शकरकंद आप देखते होंगे उसमें इसी प्रकार जो है होता है। उसके बाद है गुच्छा जो होता है स्तंभ एक ही बिंदु से उत्पन्न मसल जड़ों की गुच्छा होता है जिसमें डहलिया जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद है ग्रंथिल जो होता है जड़ों के केवल सिरे मोती जैसे फूल जाते हैं जैसे आम या अदरक यानी मैंगो और जिंजर जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है आम और अदरक। उसके बाद है मणि रूपी जो होती है जड़े की थोड़े थोड़े अंतराल पर फूल कर मणि की माला समान आकृति हो जाती है जैसे घास और सेज। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है आपके एग्जाम व्यू से भी। अगर वहाँ पर गुच्छित आ जाता है तो आपको डेलिया एग्जाम याद रखना होगा। ग्रंथिल आ जाता है तो याद रखना आम जो है आम इसमें पाया जाता है और अदरक जो है ऐसे कार्य करता है। ठीक है उसके बाद है मणिरूपी भी हो गया। उसके बाद है बल्लित जो होती है जड़ संरचना ऐसी जैसे एक के ऊपर एक अंश संख्या फूली हुई चकित्र व्यवस्था हो। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है इसमें जो है इपिकक आता है। इपिकक जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उसके पश्चात हमारे समझ है प्रकाश संश्लेषण के लिए रूपांतरण। अब देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा प्लांट किस चीज़ों में जो है रूपांतरण होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी माना जाता है। तो सबसे पहले तो हमारा आता है यहाँ स्वांगी कारक जड़। देखिए स्वांगी कारक जड़ क्या होता है ये जड़े प्रकाश में
उभासित होती ही परिहरित युक्त अथवा हरी हो जाती है एवं भोजन बनाना स्टार्ट कर देती है। जैसे एग्जाम्पल को आपको पता है गिलो गिलोई जो होती है गिलोई इसी तरह का आता है जिसको हम टिनोस्पोरा भी कहते हैं कि वह भी जरे इसी प्रकार से होता है। यानी गिलोए तो आपको पता ही होगा, ये कुछ बातें जो है याद भी रखना होता है। उसके बाद है वायु अंधराध का अवशोषण करने के लिए रूपांतर। देखिए वायुमंडलीय अंधता को अवशोषण करने के लिए जो है ये पौधे किस प्रकार जो है अपने आप को रूपांतरित करती है। तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल जो आता है अधिपादी जरे, अधिपादप जो होता है एपिफाइटिस की अवयवी जड़ हरी एवं मृत स्पंजी उत्तक यानी वेलो मेन द्वारा ढकी तथा ये है वायुमंडलीय नमी अवशोषित करने में सहायक होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जो है आक्रिड यानी कंडा, कंडा जो है इसका एग्जाम्पल आ जाता है। यहाँ पर जो है कुछ एग्जाम्पल भी आपके समक्ष दिया गया है। पहला एग्जाम्पल जो है आपको कदित जड़ यानी शकरकंद के दिया गया है, दूसरा जो है गुच्छित जड़ यानी डेलिया का दिया गया है, तीसरा जो है ग्रंथि जड़ जिसमें आपको पता है आम और अदरक का दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है सी पार्ट में अदरक को ही रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद रूपी जड़ यानी घास, जो आपको पता है घास जो है हमारा दिया गया है। ई पार्ट में जो है बलिय जड़ ई पे कक दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है स्वैगी कारक एवं अधिपादित जड़े यानी आर्किडस, यानी आर्किडस तो आपको पता ही है, अभी मैंने आपको बताया भी था, इसको हम जो है कंडा भी कहते हैं, कंडा का पौधा भी कहते हैं। तो इस तरह से जो है आप समझ सकते हो। उसके पश्चात है उत्तम गैसीय विनियम के लिए रूपांतरण। देखिए उत्तम गैस के लिए कौन चीज़ जो है किस चीज़ में रूपांतरण होता है, तो इसके लिए जो है बाट पुटीधर श्वसन जरे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें रखते हैं मान्य। कुछ जरे जो है रूपांतरक जो है गुरुत्ववर्तीय सीधे ऊपर की तरफ वायु में वृद्धि करते हैं, और द्विभाषित जड़ों के जो शिखर पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा जरे श्वसन करते हैं। ये जो है शंकुन नुमा स्पाइक होते हैं और जो जल से बाहर निकले रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके समक्ष जो होगा मैनग्रव यानी कंच पादप राइजोफेरा जो है इसका एग्जाम्पल माना जा सकता है। उसके पश्चात है फिफ्थ परपोषी से पोषण चूसने के लिए रूपांतर। देखिए परपोषी जो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं यानी चूसक जड़ या हम इसको चूसांग यानी हेस्टोरियस भी कहते हैं। ये परजीवी जो होते हैं पौधे के तने से विकसित चूसक जड़े यानी जीवित परपोषी यानी होस्टर पादप शरीर को भेद कर जो है पोषण उनसे चूस लेते हैं। जैसे अमरवेल कष्टकुटा यानी इसको हम कष्टकुटा कहते हैं, अमरवेल हिंदी में अमरवेल कहते हैं। ये पौधा जो है आपके आसपास कहीं भी मिल सकता है या इसको आप आसानी से भी देख सकते हो। ये एक तरह से पैरासाइटिड कहलाता है। जैसे आप चित्र में भी देख सकते हो यहाँ पर अपासी जड़ से रूपांतर जो है मैनग्रव पादप के जो है बट्टीधर जड़ पहला पाया गया है। ठीक है, बट्टीधर जड़ के रूप में दिखाया गया है। दूसरा जो है कष्टकुटा यानी आपके समक्ष जो है अमरबेल दिखाया गया है। ठीक है, ये परपोषी होते हैं। और तीसरा जो है काट में परपोषी स्तंभ को भेदती हुई परजीवी चूसक जड़ यानी मुष्कांग। तो ये सारी चीज़ें जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम के साथ साथ चित्र भी याद रखना बहुत ज़रूरी है और उसको समझना भी अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। उसके बाद है मजबूत आधार प्राप्त करने के लिए रूपांतरण। देखिए मजबूत आधार करने में सबसे पहले स्थान तो आता है प्राप्त जड़ यानी प्रो जरे स्कंद। वृक्षों की शाखाओं में जो है उत्पन्न जरे नीचे लटकी हुई वृद्धि करके जमीन में धस कर भारी शाखाओं को सहारा देता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बरगद यानी ब्रैंड ट्री। ठीक है, बरगद जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसको देखोगे कि जड़ जो उसके होते हैं धस जाते हैं ऊपर से निकल के टहनियों में से और उनको सहारा प्रदान करता है, और कहते हैं ये कई सालों तक जीवित भी इन्हीं कारणों से रहते हैं। उसके बाद है अवस्तंभ जरे यानी तनों के आधारी भाग के समीप से जो है पश्व संधि से अनेक जरे उत्पन्न होते हैं। तर्क रूप से जो वृद्धि करती हुई जो है मृदा में धस जाती है तथा प्रबल सहारा प्रदान करती है, जैसे गन्ना कवेडा। तो सारे ये सब एग्जाम्पल है। अगर कवेरा के बारे में आपको नहीं पता है तो गन्ना के तो जरे आपको पता ही हुआ, गन्ना तो बहुत ही आसानी से दिखता है। गन्ना के देखोगे ना तो ऊपर वाला पार्ट भी जरे के रूप में रूपांतरित होकर उसको सहारा देता है, अगर आपने कभी देखा हो तो आपको पता होगा। उसके बाद अरोही जड़ यानी कमजोर तने वाले अरोही पौधों को जो है पश्व संधियों से उत्पन्न जरे आधार या सहारे पकड़कर या चिपक कर सरों में मदद कर दी से मनी प्लांट। ठीक है, मनी प्लांट आपने देखा होगा या पान के जो पेड़ होते हैं वो इसी प्रकार के पौधे होते हैं जो कि इनको सहारा देते हैं। उसके पश्चात है प्रतानी जड़ का मतलब होता है कुछ विशेष अवस्थानिक जड़े तने की जो है दरारों या उभारों में धस कर अधिपादित पौधों को स्वीकृत करती है, यानी अधिपाद यानी एपी फैतिस इज द आर्किड्स इसका एग्जाम्पल माना जा सकता है।
ठीक है। उसके बाद है हमारे समक्ष जो है उत्प्लावन तैरने एवं श्वसन हेतु रूपांतर। देखिए तैरने वाला जो पौधे होते हैं फ्लैपी जड़ होते हैं यानी फ्लैपी उनकी जड़ें होती हैं, कुछ जलीय पौधों को जो है पर्वसंधि से स्पिंजिस वायु से भरी प्लावित जड़ें उत्पन्न होती है। ये पौधों के जल पर जो है तैरने के लिए सहायक होती है ताकि पौधे सांस ले सके। जैसे जुसिया जो है इसी प्लांट के अंतर्गत आता है। कहते हैं सिवलपुर कोलकाता का एक प्रसिद्ध बरगद का पेड़ जो है 2 साल पुराना है, जिसके शिखर की परिधि 404 मीटर तथा 1600 स्कंद यानी प्राप्त जड़े हैं, जो कि काफ़ी इसको विशिष्ट बनाता है। बरगद के पेड़ जैसे कि आप देख सकते हो, जिसके बारे में भी चर्चा की गई थी, जो कलकत्ता में है, कुछ इसी प्रकार की होती है और देखने में कुछ ऐसा ही प्रतीत होती है। तो ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो है स्तंभ रूपी जो है, जिसका नाम आपको पता ही होगा, गन्ना है। गन्ना में देखिएगा पहले तो जड़ पूरी तरह से जो है आ रखी है, फिर उसके अगले पार्ट में भी जड़ रूपांतरित हुआ है इसको सहारा देने के लिए। तो कहते हैं आप डायग्राम से भी बहुत कुछ समझ सकती हो। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अरोही यानी पान। पान जैसे जड़ है आप देख सकते हो, अरोही पौधा जो होता है पान के पौधे होते हैं जो एक दूसरे के सहारे देकर आगे बढ़ते हैं। उसके पश्चात जो है प्लावी जड़ यानी जो है जुसिया जो होता है पानी में तैरने वाला पौधा है, ठीक है, और नीचे जो होता है इसका जड़ जो होता है मिनरल सारे प्राप्त करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। आगे जो है दोस्तों हम देखेंगे कि जो रूट्स होते हैं उसके क्या फंक्शन होते हैं, रूट का क्या इंपॉर्टेंस होता है। आगे का जो पार्ट हम करेंगे पार्ट सी में करेंगे। पार्ट सी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आप मिस मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा पार्ट सी, क्योंकि पार्ट सी में जो है और कुछ हम जानने को हमें मिलेगा, ठीक है। ए भी अधूरा हो जाएगा अगर आप सी पार्ट नहीं देखिएगा। तो इसी तरह आप बने रहिए त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ और जो है ज्ञान प्राप्त कीजिए त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपान लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करिएगा त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने की मेरा क्या ज़रूरत है त्रिपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6th सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।